हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, कभी भी हम लंच या डिनर पे गए हों तो हमारा लंच या डिनर तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसके बाद कुछ मीठा नहीं खा लेते या फिर एक पान नहीं खा लेते। पान हर किसी को पसंद होता है क्योंकि उसकी स्मेल ही इतनी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी पान के पत्तों से एक हेल्दी सी ड्रिंक बनाएंगे जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। और ये ड्रिंक मैं दिवाली पे बनाती हूँ और जो भी मेरे घर गेस्ट आता है वो पीता है तो बहुत तारीफ करता है। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में लिख के ये जरूर बताइए कि आपने कभी 500 पिया है तो आपको कैसा लगा है। फ्रेंड्स, ये एक रिफ्रेशिंग रेसिपी है, आपने रेस्टोरेंट में ये कई बार पिया होगा लेकिन यकीन मानिए जब आप इसे घर में बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं मेरा दिवाली स्पेशल 500। फ्रेंड्स, 500 बनाने के लिए हम यहाँ पर कोलकाता पान, मगई पान या फिर कोई और भी पान ले सकते हैं, लेकिन मगई पान की स्मेल जो होती है वो बहुत ही कम होती है और कोलकाता पान की स्मेल थोड़ी तीखी होती है, लेकिन लोग फिर भी उसे खाना पसंद करते हैं। बाकी और कोलकाता पान हर जगह पे मिल जाता है, मगई पान हर जगह पे नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 4 से 5 पत्ते पान के लिए हैं, इनको अच्छे से पानी से धो के ले लिया है। और इस रेसिपी को बनाना बहुत ईजी है, जब आप इसको बनाएंगे और टेस्ट करेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ सच में बहुत आसान है इसको बनाना। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम एक सीजर लेंगे और सीजर की मदद से इसका जो आगे का डंठल वाला पार्ट है उसको अच्छे से कट करेंगे क्योंकि वो पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक एक पत्ते को लेते हैं और इसकी डंठल का पार्ट अलग कर देते हैं। फ्रेंड्स, कैसे बनाते हैं, कितने दिन स्टोर करना है, ये सब आपको वीडियो के लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, मैंने सारी डंठल को अलग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम एक सीजर की मदद से एक एक पत्ते को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। फ्रेंड्स, आप एक बात का ध्यान रखिए, आपके यहाँ जो मीठा पान खाया जाता है ना वो अधिकतर कोलकाता पान से बना होता है, तो आप अगर वो खा सकते हैं तो आप ये रेसिपी इजीली एंजॉय कर सकते हैं। आपने क्या कभी मीठा पान खाया है? खाया है तो कैसा लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। फ्रेंड्स, पान के पत्तों से माउथ फ्रेशनर भी बनाया जा सकता है और इस मौसम में ही इस माउथ फ्रेशनर को बनाया जाता है। इसकी रेसिपी मैं कभी आगे आपके साथ शेयर करूंगी, बनाना बहुत ही इजी होता है। फ्रेंड्स, ये लीजिए, मैंने सारे पान के पत्तों को अच्छे से कट कर लिया है। पान के पत्तों का इस्तेमाल हम पूजा में, भोग में, सब जगह पे करते हैं। पान के पत्ते अधिकतर जो पान की ठेले दुकान होती है ना उस पे मिल जाते हैं या फिर जो हमारे पूजा की दुकान होती है वहां भी पान के पत्ते मिल जाते हैं क्योंकि ये पूजा में भी यूज किया जाता है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, सारे पान के पत्तों को मिक्सर जार में ऐड करेंगे, 1 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे और 5 से 7 इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मिश्री की जगह अगर आपको गुलकंद का टेस्ट पसंद है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 4-5 आइस क्यूब ऐड करेंगे। आइस क्यूब से क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो कलर है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कोशिश करेंगे कि इसका कलर ग्रीन ही रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5-6 पान के पत्तों के लिए 2 से 3 चम्मच चीनी का यूज किया है। अब हम मिक्सर जार को अच्छे से बंद करेंगे और इस सारे मिक्सर को ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने सारे मिक्सर को ग्राइंड कर लिया है। आप देख रहे हैं जैसे हमारी हरी चटनी होती है, हम घर में लगभग सब हर कोई हरी चटनी खाना पसंद करता है, ये बिल्कुल वैसी होगी। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे, आप इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी में आप इसे 15 दिन स्टोर कर सकते हैं और अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप क्या कीजिए, आइस ट्रे ले लिए, इस बैटर को उसमें डालिए और इसके आइस क्यूब जमा लीजिए। और जब भी आपको रेसिपी बनानी हो आप आइस क्यूब निकालिए, रेसिपी बनाकर गेस्ट को सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, ये पान का शॉट्स हमेशा छोटे ग्लास में सर्व होता है क्योंकि ये छोटे ग्लास में देखने में बहुत ही अलग लगता है। आप चाहे तो इसे बड़े ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पान शॉट्स बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सी का जार लेते हैं और उसमें
हम 2 ग्लास बना रहे हैं, तो 2 ग्लास के लिए मैं यहाँ पर 4 चम्मच जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको लूंगी। उसके बाद इसमें हम 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि फ्रेंड जब हम इसमें दूध मिक्स करेंगे तो जो हमने चीनी डाली है वो कम हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच चीनी का यूज कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर 1 कप दूध का यूज कर रहे हैं। 2 ग्लास के लिए, छोटे वाले 2 ग्लास जो आते हैं उनके लिए 1 कप दूध सफिशियंट है। उसके बाद हम यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम का यूज करेंगे। आप व्हिप्ड क्रीम की जगह आइसक्रीम का यूज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरी व्हिप्ड क्रीम जो है वो फ्रिज में रखी थी तो ये जमी हुई कंसिस्टेंसी में, आप इसे 20 मिनट पहले फ्रिज से बाहर निकाल दिए तो ये नॉर्मल हो जाएगी। फ्रेंड्स आप व्हिप्ड क्रीम या आइसक्रीम की जगह अमूल क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से आपको जो यूज करना है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिक्सर के जार को बंद करते हैं। फ्रेंड्स क्रीम या आइसक्रीम डालने से क्या होगा, जो हमारा पान सोर्स है उसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें एक रिचनेस आएगी, एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बस इसीलिए हमने इनका यूज किया है। तो फ्रेंड्स अब हम मिक्सर के जार को लगाते हैं और इसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसको अपने ग्लास में सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे वाले ग्लास लिए हैं, क्योंकि पान सोर्स जब हम छोटे ग्लास में सर्व करते हैं वो देखने में बहुत ही लाजवाब लगता है। फ्रेंड्स अब हम 1 ग्लास लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े से ग्रीन कलर, जो हमारा फूड कलर आता है उसको लिया है, जो सूखा वाला फूड कलर आता है, और इस ग्लास की सतह को मैंने पानी में डिप कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से रोल करेंगे ताकि ग्लास के ऊपर एक अच्छा सा कोडिंग हो जाए। इसी प्रकार से हम दोनों ग्लासेस पे कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें ग्लास में अपने पान सोर्स को डालेंगे तो उसका कलर, उसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और जब चीजें देखने में अच्छी लगती है तभी खाने पीने में अच्छी लगती है। फ्रेंड्स अब ग्लास में हम जो हमने पान सोर्स बना के रखा था उसको ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना आप, कलर बिल्कुल ग्रीन ही आया है। दूध डालने के बाद हल्का सा कलर लाइट हो सकता है, अगर आप ज्यादा ग्रीन लेना चाहते हैं तो आप इसमें कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। अब मैं जो मैंने सूखा कलर लिया था उसमें थोड़ा सा केक कलर ऐड करके यहाँ पे इसमें ऊपर से गार्निशिंग करती है, ताकि ये देखने में भी बहुत ही लाजवाब लगे। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारा पान सोर्ट्स बन के तैयार है। अब आप जिसे जिस चीज से गार्निशिंग करना चाहते हैं उस चीज से गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेरी ऐड कर रही हूँ। चेरी डालने से क्या होगा, ये कलरफुल लगेगा, तो बच्चे इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पीते हैं, बच्चों क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े से रोज पिटल्स दे रही हूँ, रोज पिटल्स को इनके ऊपर से सेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारा दिवाली, होली या फिर समर स्पेशल पान सोर्ट्स बन के तैयार है। एक रिफ्रेशिंग रेसिपी है, कभी भी कहीं भी बना के आप इजीली पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक समर स्पेशल ड्रिंक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, खाते रहिए खिलाते रहिए।